डॉक्टर रशीदा बप्पे, मैं मुंबई से आई हूँ, मुंबई साउथ मुंबई से आए हैं और यहाँ पर कैंप चल रहा है नून हॉस्पिटल में, गाइनेक कैंप है, ऑफ्थाल कैंप है और करीब करीब हम लोगों ने यहाँ पर सुबह को 10:30 बजे से स्टार्ट किया है और अब तक हम लोग ने करीब 50 पेशेंट्स देख चुके हैं और भी एक्सपेक्टेड है, चल ही रहे, पेशेंट्स आ ही रहे। कितने दिन का आपका शेड्यूल है यहाँ पर? 2 दिन का है। टू डेज। उसके बाद कोई ऐसा केस आया सामने जहाँ हमने केयर टिपिकल लगा हो उसको? टिपिकल मतलब कि हर कोई जो आता है यहाँ पर सबको कुछ कुछ तकलीफ ऐसी है कि जिसके अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई थैली निकालने की ज़रूरत है। मींस मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हम लोगों ने देखे हैं सबको यूट्रस के अंदर गांठें आई है, किसी की थैलियाँ बाहर आ रही है, किसी को थैली के अंदर मसे हुए हैं। मींस देखा, जिस तरह से नून हॉस्पिटल में शिविर आयोजित हो रहा है और कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो बाहर से पधारे हैं, डॉक्टर वत्सल पारिख जो कि चेन्नई से हैं और 30 वर्षों का अनुभव जो है इस के बाद भवानी मंडी में पहली बार इनका आगमन हुआ है। खबर 24 उनका स्वागत करता है। बात करते हैं इंडिया टुडे में पिछले कई वर्षों से इनके नाम का प्रकाशित हुआ है और काफ़ी अच्छा अनुभव जो है वो इनका है। हम बात करते हैं वत्सल पारिख से, जानते हैं भवानी मंडी में आने पर और यहाँ नून हॉस्पिटल में आप आए हैं, आप मरीजों को यहाँ देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जिस तरह से ये संस्था चल रही है, जिस उद्देश्य से चल रही है, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा और नेक काम चल रहा है जी। तो सर अभी तक कितने अपने मरीज देख चुके हैं, ऑपरेशन भी किए होंगे आपने? ऑपरेशन तो 2-1 किए लेकिन मरीज शायद 80-1 है। 80 हैं। कितने दिन का टूर है सर यहाँ पे? कल हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, कल आप जा रहे हैं? हाँ। कल कब तक? आप शाम को। भवानी मंडी कैसा लगा आपको? बढ़िया, इधर कुदरत के साथ रहते हैं। हमारे बम्बई में सीमेंट कॉन्क्रीट का जंगल होता है जी, और इधर वास्तव में हर वनस्पति वगैरह एक झाड़ पान दिख रहे हैं। तो मैडम जीनत हमदार से कैसे पहचान हो गया? डॉक्टर मुस्तफ़ा बापई हमारे दोस्त है जो इधर मेरे ख्याल से ट्रस्टी है जी, उस हिसाब से जीनत मैडम से पहचान हुई और बहुत ही सराहनीय व्यक्तित्व है, जिस तरह से वो इंडिया के काम करते बहुत ही सराहनीय है। देखा आपने वसंत साहब ने बताया कि भाई हम सेवाभावी हैं और जनता की मरीजों की सेवा करना हमारा कर्म है, इसी तरीके से हम जब तक सेवा करते रहेंगे और भवानी मंडी आने पर इनका खबर 24 हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पे प्रबंधक साहब से बात करेंगे, जिस तरह से आज जो है एक कैंपेनिंग की गई है, निःशुल्क जो है वो शिविर लगाया गया है, बॉम्बे से यहाँ डॉक्टर पधारे हैं जीनत हरनाल जो कि नून हॉस्पिटल की प्रबंधक है, प्रशासक है, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कितने डॉक्टर उनके साथ आए हैं और क्या यहाँ अभी तक व्यवस्था की गई है। हर एक साल में 2 या 3 कैंप लगते हैं जो कि बाहर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं और कई जो गंभीर बीमारियां होती है उन बीमारियों का निवारण करने के लिए यहां पर वो डॉक्टर आते हैं, उन मरीजों को लाभ मिलता है। हम बात करते हैं जिंदर हरनाल जी से, जानते हैं कि बॉम्बे से डॉक्टर आपके साथ हैं वो किस स्पेशलिस्ट में? मैडम आज जो डॉक्टर आपके साथ हैं कौन कौन से हैं? आज जो डॉक्टर आए हुए हैं वो एक रेटिना स्पेशलिस्ट है मुंबई से, डॉक्टर पारिख, ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड डॉक्टर, तो वो आके ओपीडी चलाएंगे, उसके रेटिना पेशेंट्स को देखेंगे, अभी सर्जरी में है फिलहाल, तो मशहूर डॉक्टर है। दूसरे डॉक्टर जो आए हैं उनके साथ है डॉक्टर मुस्तफ़ा जो अगेन ही इज़ अ फिजिशियन है और वो हमारे सब स्टाफ लेके हाउसकीपिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम अभी ट्रेनिंग रूम में बैठे हुए हैं यहाँ पर और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं हाइजीन, टॉकिंग टू पेशेंट्स वगैरह वगैरह, देर इज़ ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट नीड्स टू बी डन। छोटे जगह पे जो होती है काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमारे हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है लेकिन ट्रेनिंग की ज़रूरत है और ऑल द टाइम मतलब ट्रेनिंग करना पड़ता है स्टाफ के साथ, स्पेशली जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, हाइजीन रूल्स जो है छोटी जगह पे इतने नहीं होते जैसे शहरों में होते हैं, सो वी हैव टू कीप ऑन टॉप ऑफ इट, तो वो कर रहे हैं। फिर दूसरी एक गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर जो आई हुई है वो डॉक्टर मेगा के साथ अभी लगी हुई है, डॉक्टर रशीदा, तो वो पेशेंट्स को देख रही है, ओपीडी पेशेंट्स को देख रही है, तो एवरी 2-3 महीने में मैं लाती रहती हूँ, आपको पता ही है डॉक्टर्स लाते रहते हैं हमें यहाँ पर और क्यों लाते हैं दैट थोड़ा सा हमें हमारा हॉस्पिटल को बढ़ाना है और डॉक्टर्स आएंगे, लोग आएंगे, अप्रिशिएट करेंगे और फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी,
तो हम चैरिटी इंस्टीट्यूशन है और उस हिसाब से हम कर रहे हैं। अभी विजन है, हमारा विजन है, अभी हमने चार नए ऑपरेशन थिएटर्स बनाए हैं, अभी रेडी नहीं है बट एक दो महीने में रेडी हो जाएंगे। तो फैसिलिटीज़ अपग्रेड कर रहे हैं, हमारे रूम्स जो है वो सेमी प्राइवेट रूम्स जो है अभी थोड़ा अपग्रेड किया है रूम्स को भी हमने। तो ऐसे ऐसे तरीके से हम कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स को दिक्कत ना हो। वी कैन वो हाँ वो जो सर का लेगेसी है, ये अभी लेगेसी है और उसकी आशीर्वाद से ही सब हो रहा है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी हमको गर्व है कि इतना सब कुछ हो रहा है उनकी आशीर्वाद से। सो दिस इज़ इट। अभी दूसरा जो है मुझे जो करना है तो काफ़ी कुछ करना है। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और उसकी ब्लेसिंग से मुझे अच्छा सा सीटी स्कैन मशीन लाना है यहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई नहीं है अच्छा मशीन और वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो करेंगे वो आगे की मेरी सोच है। तो उसके लिए मुझे फंडिंग वगैरह करनी पड़ती है तो वो मैं कर रही हूँ, वो मेरा जॉब है करने के लिए और मैं कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि हम कर सके। मैं जनता को यही कहना चाहती हूँ कि देखो ये हॉस्पिटल बनाई गई है आप लोग के लिए, आप लोग आइए, ये फैसिलिटीज़ जो है जो डॉक्टर्स है उसे यूज़ करो, हमारा फैसिलिटीज़ यूज़ करो। डॉक्टर्स जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी आते रहते हैं हमारे वहाँ यहाँ पे, तो उनका मतलब ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है आप कम यूज़ द फैसिलिटीज़, आप ही के लिए बनाई गई है और कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल से अनट्रीटेड नहीं जाएगा।